मम्मी जी, आज हमारी एनिवर्सरी थी तो ये और मैं सोच रहे थे कि हम दोनों डिनर पे चले जाते हैं। हम मतलब मैं और पापा जी ना जाए है? मतलब आरती, दामाद जी, अंशु विशु ना जाए, सब मिलके जाएंगे डिनर पे। गोवा चलेंगे? हाँ गोवा चलते हैं, कभी नहीं गई मैं। गोवा तो नहीं हम जाएंगे, ना पापा जी जाएंगे ना मैं। आरती गई है बहुत बार, तो मनाली चलते हैं हम सब लोग। नीचे चल मम्मी जी, हम लोग नीचे पार्क जा रहे हैं वॉक करने। हाँ तो तुम मतलब आप नीचे जो अपने वीडियो से सबको हमेशा हंसाती रहती हैं, जिन्हें लोग कॉमेडी क्वीन भी कहते हैं, जिनकी हम बात कर रहे हैं, वह है आरजे, एक्टर, कॉमेडियन, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आरजे करिश्मा। इनकी कॉमेडी वीडियो लोगों को काफी पसंद आती है, खासकर सास बहू वाली सीरीज, जिसे लोग देखना काफी पसंद करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आरजे करिश्मा कभी भी आरजे बनना नहीं चाहती थी? तो फिर आरजे करिश्मा जो आज सोशल मीडिया पर इतनी पॉपुलर है, वह आरजे कैसे बनी, हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। जानने से पहले यह भी जान ले, मेरा नाम सोनी आनंद है और आपका हमारे चैनल आनंद बज में स्वागत है। करिश्मा का जन्म 16 अगस्त 1995 को जम्मू के एक हिंदू परिवार में हुआ है। वैसे तो करिश्मा बचपन से ही ज्वाइंट फैमिली में रहा करती थी, जो बहुत बड़ी फैमिली थी। लेकिन पर्सनली इनकी फैमिली की बात करें तो इनके फैमिली में इनके माता पिता के अलावा एक भाई और एक बहन है। इन्होंने अपनी स्कूलिंग जम्मू के ही स्कूल से की है। करिश्मा बचपन से ही काफी ज्यादा बदमाश थी, ऐसा वह खुद बताती हैं, और वह अपने कजिन और सिबलिंग्स का नकल उतारकर चिढ़ाया करती थी। तब उनके कजिन्स काफी चिढ़कर उनके माँ पापा से शिकायत किया करते थे। तब करिश्मा के पापा करिश्मा को बहुत डांटते थे और यह कहते थे कि करिश्मा तुम लाइफ में सीरियस हो जाओ, नहीं तो तुम आगे कुछ नहीं कर पाओगी। एक बात पूछो तुमसे। पूछ। तू ऐसा राई का पहाड़ क्यों बनाती है? मतलब मैं इतना सा मारता हूँ, तू इतना सा क्यों रोती है? मुझे मजा आता है तो मार पड़ती है, तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। कभी मैंने किया? ये टैलेंट तुझमें नहीं है विक्की, अनफॉर्चुनेटली। निकल मेरे कमरे से। तेरा कमरा कहाँ से हो गया? अबे निकल 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 विक्की। सॉरी यार, सॉरी। मैं बंद कर, इतनी सीन लगी है तुझे। इसका हाथ तोड़ दिया कि चिक्की तूने क्या? मैं टकरा हूँ इसका। ये रील्स बना रहा था। डूब गई मैं तुझमें आके तेरी सच में कसम से, रील्स बना रहा था, विश्वास नहीं हो रहा। मैंने इसको बोला पढ़ ले, तो इसने बोला मैं मम्मी को चिल्ला के बताऊं तो मेरे को मारे, मम्मी रील्स बना रहा था। उनके पेरेंट्स यह चाहते थे कि करिश्मा एक इंजीनियर बने और जॉब करके वेल सेटल्ड हो जाए। पेरेंट्स के कहने पर करिश्मा ने साइंस से इंटर की पढ़ाई भी की, लेकिन उन्हें साइंस कुछ समझ में नहीं आती थी और ना ही वह इंजीनियर बनना चाहती थी, ऐसा उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था। करिश्मा बचपन से ही एक्टिंग करना चाहती थी और वह बचपन से ही अपने मम्मी की साड़ी से लेकर सारी ज्वेलरी पहनकर आईना के सामने सभी से छुपकर एक्टिंग किया करती थी। ज्वेलरी पहनती थी, सिंदूर लगाती थी, मम्मी के सामने तो सिंदूर लगा नहीं पाती थी, दरवाजा बंद और अंदर लिपस्टिक पोतना रहा। तो जब बाहर आती थी यार लाल लाल हो रहा होता था पूरा का पूरा, तो मम्मी बोलती थी ये क्या किया है तूने, मम्मी यहाँ से लग गई वहां से लग गई, ये बहाने। और एक्टिंग में अपने फेवरेट सीरियल के फेवरेट एक्ट्रेस के रोल को भी प्ले किया करती थी। इतना ही नहीं, करिश्मा को बचपन से ही सीरियल में पॉजिटिव रोल प्ले करने वाले किरदार बिल्कुल पसंद नहीं आते थे, उन्हें हमेशा निगेटिव रोल काफी अट्रैक्ट करते थे और उन्हें सीरियलों में कोमलिका के रोल काफी पसंद थे। करिश्मा अकेले कई किरदार को एक साथ प्ले कर लेती थी। एक बार करिश्मा के साथ बड़ी इंटरेस्टिंग घटना घटी। करिश्मा अकेले रूम बंद करके एक साथ कई रोल प्ले कर रही थी और उनकी मम्मी को बाहर से लगा कि उनके रूम में कोई न कोई है और वह रूम नॉक की। जब करिश्मा ने रूम खोली तो उनकी माँ ने कहा कि रूम में कौन था। करिश्मा बोली कि मैं अकेली हूँ और मैं खुद ही कई आवाजें निकाल कर रोल प्ले कर रही हूँ। उनकी माँ को विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने कहा कि मेरे सामने करके दिखाओ। फिर करिश्मा अपनी माँ के सामने सभी किरदारों को करके दिखाई, तब जाकर उनकी माँ को विश्वास हुआ। तो एक बार मम्मी ने जोर से दरवाजा खटखटाया, कौन है अंदर तेरे साथ? And I was like, मम्मी मैं हूँ बस, कोई है? दो दो आवाजें आ रही है। मैंने कहा मम्मी मैं ही हूँ। हमें जैसे तैसे बाहर निकली, वो मुझे एक्चुअली वो सीन करना पड़ा फिर पूरा कि मैं क्या कर रही थी वहां पे बैठ के, और मैं बाहर निकली और फिर मम्मी को कि बता, जैसे मैंने अंदर सुना वैसे ही करके बता फिर से, अब मैं देखूँ कौन था तेरे साथ। तो मम्मी कोई नहीं था, फिर मम्मी यहाँ बैठी और फिर मतलब जो लोग मुझे देख रहे थे बाकी घर वाले, उन्हें लग रहा था मैं पागल।
पागल हो चुकी हूँ क्योंकि मैं ही क्वेश्चन पूछ रही थी और फिर मैं ही रिप्लाई कर रही थी, फिर मैं ही क्वेश्चन पूछ रही थी, फिर मैं ही रिप्लाई कर रही थी। बाद में करिश्मा ये सोची कि वह अपने पेरेंट्स को बता देंगी कि वह इंजीनियर नहीं बनना चाहती हैं, वह एक्टिंग करना चाहती हैं, और एक दिन हिम्मत करके अपने पेरेंट्स को बता भी दी, लेकिन हुआ वही, उनके पेरेंट्स नहीं माने और करिश्मा को स्ट्रिक्टली बोल दिया कि तुम्हें इंजीनियर ही बनना है और अच्छा जॉब करके तुमको सेट होना है। फिर करिश्मा ने अपने भाई को सारी बातें बताई। बहुत मुश्किलों के बाद भाई कन्विंस हुआ और फिर मम्मी पापा को भी कन्विंस कर लिया। इसके जस्ट बाद ही करिश्मा अपने मौसी के यहाँ इंदौर आ गई और इंदौर से ही जर्नलिज्म और मीडिया की पढ़ाई भी करने लगी। करिश्मा को साल 2016 के इन में रेड एफएम 93.5 में इंटरव्यू देने का मौका मिला। उन्होंने सोचा कि उन्हें एक्टिंग तो करनी ही है, उससे पहले क्यों ना कुछ कर लें। जब वह इंटरव्यू देने गई तो बॉस ने पूछा कि क्या आप रेडियो जॉकी बनना चाहती हैं? करिश्मा ने फटाक से यह कह दिया कि नहीं, वह एक्टिंग करना चाहती हैं। और यही लॉयल्टी करिश्मा को रेडियो जॉकी का जॉब दिला दिया। एक बार करिश्मा ने यह कही थी कि जब भी आप इंटरव्यू देने जाइए तो लॉयल जरूर रहिए, क्योंकि इंटरव्यू लेने के लिए हमेशा एक्सपर्ट बैठे रहते हैं और वह यह गेस कर लेते हैं कि आप कितना झूठ और कितना सच बोल रहे हैं। आज करिश्मा 5 सालों से इंदौर में रेडियो जॉकी का जॉब कर रही हैं और वह इंदौर में काफी पॉपुलर हैं। इंदौर में 2 से 5 उनका शो चलता है। आरजे करिश्मा जो 2 से 5 हर रोज अड्डा जमाती है आपके साथ पूरे इंदौर के साथ। करिश्मा का एक कैरेक्टर बुलबुल काफी फेमस हुआ था, जो आम जिंदगी में कैसे भी सिचुएशन में कोई न कोई बहाना बनाकर निकल जाता है। इनका शो यूथ ओरिएंटेड है। पहले तो करिश्मा आरजे नहीं बनना चाहती थी क्योंकि उन्हें टीवी में अभिनय करना था, लेकिन रेडियो जॉकी करते करते उन्हें रेडियो जॉकी का जॉब काफी अच्छा लगने लगा और करिश्मा अपने एक्टिंग के सपने को सोशल मीडिया के जरिए पूरा करती हैं। करिश्मा के वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल होते हैं। इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर उनके 2 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। अगर करिश्मा के रिलेशनशिप स्टेटस की बात करें तो वह कमिटेड है और वह शुभम रघुवंशी को डेट कर रही हैं। शुभम भी करिश्मा के साथ रेड एफएम में जॉब करते हैं। ये दोनों साथ में बहुत लंबे समय से जॉब कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको आरजे करिश्मा के वीडियो और एक्टिंग कैसी लगती है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और कौन सी वाली वीडियो सीरीज आपकी सबसे ज्यादा फेवरेट है यह भी बताएं, और ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।